Hello and welcome to my YouTube channel. In this video we are going to discuss drilling operation. Okay, so जैसे आपके सामने आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा है एक प्लेट है आपके पास, ओके, जिसकी लेंथ है 80 mm, ओके, सो जिसकी लेंथ है 80 mm और विड्थ है 60 mm और उसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे शो नहीं की है, तो ये जो इतनी है ये इसकी थिकनेस है और इसमें आपको चार होल्स करना है चार अलग अलग लोकेशन पे. वो लोकेशन है P1, P2, P3, P4 और उस होल का डायमीटर है 10 mm और उस होल की डेप्थ है 25 mm. ओके, सो आई होप आपको ये जॉब अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो एक प्लेट है और प्लेट के ऊपर चार अलग अलग होल्स चार अलग अलग लोकेशन पर आपको करना है. ओके, so the question is write a program for Fanuc control system CNC machine of a given diagram and here the tool given that is drill bit of 10 mm diameter. Okay, and why we are choosing a drill bit of 10 mm diameter? Because we want to drill a hole with diameter 10 mm. That is why we are choosing a tool with 10 mm diameter. So we will start the CNC programming for this particular job. Before that आपको P1, P2, P3, P4 के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक पेज पे ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और P1, P2, P3 और P4 के कोऑर्डिनेट्स लिख लो. जैसे P1 जो है वो बनेगा 20, P1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो बनेंगे X20 एंड Y40, 20 + 20 = 40. ओके, सो ये जो पॉइंट है ये बनेगा वर्कपीस 0 पॉइंट और यहाँ से पूरे डायमेंशंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो P1 का बनेगा 20, 40, P2 के लिए 60, 40, P3 के लिए 60, 20 और P4 के लिए 20, 20. ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द CNC प्रोग्राम. सो O1009. सो O यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये जो प्रोग्राम है वो फानुक कंट्रोल के लिए बना हुआ है. अगर यहाँ पे परसेंट साइन होता दैट मीन्स इट इज़ फॉर सीमेंस कंट्रोल. उसके बाद 1009 मतलब चार डिजिट का आपको प्रोग्राम नंबर देना है, क्योंकि आपके मशीन में नंबर ऑफ CNC प्रोग्राम्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उन्हें नंबर देने पड़ते हैं. सो यहाँ पे मैंने नंबर चूज कर लिया है 1009. देन N01, G21, G94. G21 इज़ फॉर डायमेंशंस इन मेट्रिक मोड. सो CNC मशीन में आपको सबसे पहले बताना पड़ता है कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो, मेट्रिक मोड या फिर इंच मोड. सो इफ़ यू आर फॉलोइंग मेट्रिक मोड द कोड इज G21 एंड फॉर इंच मोड द कोड इज G20. देन G94 दैट इज फीड इन mm पर मिनट और G95 यूज़ होता है फीड इन mm पर रिवोल्यूशन. सो यू हैव टू डिसाइड द फीड whether mm per minute or mm per revolution. Then N02, G91, G28, X0, Y0, Z0. So G91 is for incremental mode, G28 return to reference position, X0, Y0, Z0. So CNC machine में कोई भी program अगर आप start करोगे तो सबसे पहले आप cutting tool उसके home location पर लेके जाओगे, मतलब machine 0 पर लेके जाओगे और फिर आप एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करोगे. देन N03, M06, T04. M06 इज़ फॉर टूल सिलेक्शन. सो हियर आई एम सिलेक्टिंग द कटिंग टूल एट लोकेशन नंबर 4. सो मैंने ऐसे इमेजिन कर लिया है कि 10 mm डायमीटर का ड्रिल बिट जो है वो 4th लोकेशन पे है और उसे सिलेक्ट करने के लिए कोड है M06. देन N04, M03, S1500. सो विथ दिस कमांड द स्पिंडल विल रोटेट विथ 1500 RPM इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देन N05, G90, G54, X0, Y0. ओके, सो G90 इज़ फॉर एब्सोल्यूट मोड. सो एक ही प्रोग्राम में सबसे पहले आपको इंक्रीमेंटल मोड में जाना है और कटिंग टूल को मशीन 0 पे लेके जाना है और उसके बाद आपको एब्सोल्यूट मोड यूज़ करना है. सो एब्सोल्यूट मोड में पूरे जो डायमेंशंस है वो यहाँ से काउंट होंगे, क्योंकि ये आपका वर्कपीस 0 पॉइंट है. सो मैंने P1, P2, P3, P4 के जो कोऑर्डिनेट्स है ये पॉइंट से कैलकुलेट किए थे. सो G90, देन G54, दिस इज़ वर्कसेट ऑफसेट.
देन एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो। सो ये कमांड रीड करने के बाद आपका जो कटिंग टूल है वो आप इमेजिन कर लो कि सबसे पहले वो होम लोकेशन पे था, मतलब ये कोई लोकेशन है जो आपके वर्कपीस से काफ़ी दूर रहेगा, वहाँ से रैपिडली कटिंग टूल जो है इस लोकेशन पे आएगा बाय रीडिंग द कमांड जी नाइन्टी एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो। देन एन ज़ीरो सिक्स जी फोर्टी थ्री एच ज़ीरो फोर जेड टेन। सो एन ज़ीरो सिक्स जी फोर्टी थ्री एच ज़ीरो फोर जेड टेन। जी फोर्टी थ्री इज़ फॉर टूल लेंथ कॉम्पेंसेशन। सो सी एन सी मशीन में आप अलग अलग कटिंग टूल्स यूज़ करने वाले हो और अलग अलग कटिंग टूल्स की लेंथ जो है वो अलग अलग रहने वाली है। सो वो लेंथ आपको कॉम्पेंसेट करनी पड़ती है और वो कॉम्पेंसेट होगी विद द कोड जी फोर्टी थ्री। देन एच ज़ीरो फोर, ये हो गया टूल नंबर फोर का कॉम्पेंसेशन, दैट इज़ एच ज़ीरो फोर एंड देन जेड टेन। सो यहाँ पे सरफेस पे आपने जेड ज़ीरो सेट किया है, सरफेस के ऊपर जेड प्लस और वर्कपीस के टॉप सरफेस के नीचे जेड माइनस। सो ये कमांड रीड करने के बाद आपका जो कटिंग टूल है वो 10 एम एम अबो द सर्फेस ऑफ द वर्कपीस स्टैंड करेगा। एन ज़ीरो सेवन एम ज़ीरो एट, दैट मीन्स कूलेंट ऑन। एन ज़ीरो एट जी ज़ीरो ज़ीरो एक्स ट्वेंटी वाई फोर्टी। सो पी वन का जो लोकेशन है, ओके, सबसे पहले आप कटिंग टूल यहाँ पे था, यहाँ से आपने रैपिडली यहाँ पे लेके आए और फिर रैपिडली आप गए पी वन लोकेशन पे और अभी आपका कटिंग टूल जो है वो 10 एम एम अबो द सर्फेस ऑफ द वर्कपीस है, ओके। पी वन के कोऑर्डिनेट्स है 20, 40, दैट इज़ वाई हियर यू हैव रिटन जी ज़ीरो ज़ीरो एक्स ट्वेंटी वाई फोर्टी। देन नेक्स्ट कमांड जी ज़ीरो वन जेड माइनस ट्वेंटी फाइव एफ हंड्रेड, ओके। सो जो फर्स्ट होल है उसकी डेप्थ जो है वो है 25 mm, ओके। अभी आपका कटिंग टूल यहाँ पे है, आपको 25 mm नीचे जाना है। अभी जो कटिंग टूल है वो 10 mm अबो द सर्फेस ऑफ द वर्कपीस है, आपको 25 mm नीचे जाना है। मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो आपको 35 mm ट्रैवल करना है, बट आप एब्सोल्यूट सिस्टम फॉलो कर रहे हो सो आप लिखोगे Z माइनस 25, क्योंकि डायमेंशंस जो है वो काउंट होंगे सरफेस से। सो मशीनिंग करते हुए जाना है इसलिए आप लिखोगे जी ज़ीरो वन जेड माइनस 25, ओके। सो जी ज़ीरो वन जेड माइनस 25 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मैंशन द फीड, दैट इज़ 100 mm पर मिनट, ओके। देन एन टेन जी ज़ीरो फोर पी 2000। जी ज़ीरो फोर इज़ फॉर ड्वेल कमांड, मतलब कटिंग टूल अगर इंटेंशनली आपको कहीं पर स्टॉप करना है तो आप यूज़ करोगे ड्वेल, दैट इज़ जी ज़ीरो फोर। देन पी 2000, 2000 मीन्स 2000 माइक्रो सेकेंड, दैट इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। सो ये कटिंग ऑपरेशन होने के बाद आपका कटिंग टूल जो है अभी भी वर्कपीस के अंदर है, ओके। जैसे आप इमेजिन कर लो कि पहले जो कटिंग टूल है वो 10 mm ऊपर था, फिर आपने कमांड दिया जेड माइनस 20, सो कटिंग टूल ऐसे नीचे आएगा। फिर आपने यहाँ पे प्रॉपर होल ड्रिल होने के लिए कटिंग टूल को 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे रुकाया है, सो उसका रोटेशन चालू रहेगा, सिर्फ वो वहाँ पे कुछ देर के लिए रुकेगा और आपने उसे 2 सेकेंड्स के लिए वहाँ पे रुकाया है, ओके। सो फॉर ड्वेल द कमांड इज़ जी ज़ीरो फोर पी 2000। आफ्टर दैट जी ज़ीरो ज़ीरो जेड फाइव, ओके। आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन होने के बाद आपको फिर होल से बाहर निकलना है, सो द कमांड इज़ जी ज़ीरो ज़ीरो जेड फाइव, दैट मीन्स 5 mm अबो द सर्फेस ऑफ द वर्कपीस एंड देन यू विल विजिट नेक्स्ट लोकेशन अंडर रैपिड मोड। सो नेक्स्ट लोकेशन है 60, 40, सो आप लिखोगे जी ज़ीरो ज़ीरो एक्स 60, y 40, ओके। सो हियर यू कैन सी जी ज़ीरो ज़ीरो एक्स 60, y 40। आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू गिव द डेप्थ ऑफ 25 mm, सो यू विल राइट जी ज़ीरो वन जेड माइनस 25 एफ 100, ओके। सो आपका जो कटिंग टूल है 5 mm से वो ट्रैवल करेगा सरफेस पे, आएगा 5 mm ट्रैवल करके और उसके बाद वो 25 mm ट्रैवल करके वर्कपीस के अंदर आएगा, वर्कपीस के वो अंदर आएगा। देन यू विल स्टॉप द कटिंग टूल फॉर 2 सेकेंड, सो द कमांड इज़ जी ज़ीरो फोर पी 2000 और उसके बाद फिर आप कटिंग टूल 5 mm आपको ऊपर लेके जाना है, उसके लिए कमांड बनेगा जी ज़ीरो ज़ीरो जेड फाइव। देन यू विल विजिट नेक्स्ट लोकेशन अंडर रैपिड फीड, सो पी थ्री का लोकेशन है एक्स 60 एंड वाई 20। सो आप कमांड लिखोगे जी ज़ीरो ज़ीरो एक्स 60 वाई 20, ओके। एंड अगेन
अभी आपको नीचे जाना है तो आप लिखोगे G01Z-25, ओके, देन देर इज 12, सो द कमांड इज G04P2000, फिर आपको बाहर निकलना है, सो G00Z5, सो आप यहाँ पे आओगे, उसके बाद आपको P4 लोकेशन पे जाना है रैपिडली, P4 का लोकेशन है X20Y20, सो आप लिखोगे G00X20Y20, सो कटिंग टूल रैपिडली यहाँ पे जाएगा, फिर आपको वर्कपीस में जाना है अंदर, सो द कमांड इज G01Z-25, देन यू हैव टू स्टॉप देयर फॉर सम टाइम, सो G04P2000, फिर आपको रैपिडली बाहर निकलना है, सो G00Z5, ओके, इस तरीके से आप चारों होल्स जो है वो ड्रिल कर लोगे। ये सारा प्रोग्रामिंग जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आप अच्छे से रेफर कर लेना। देन सो ये मेरा लास्ट कमांड था G00Z5 की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है Z10, सो 10 mm अबो द सर्फेस ऑफ द वर्क पीस कटिंग टूल रहेगा। उसके बाद N24M09, दैट इज कूलेंट ऑफ, M05 स्पिंडल ऑफ, और फिर आप प्रोग्राम जो है वो एंड करोगे। सो फिर से आप कटिंग टूल मशीन जीरो पे लेके जाओगे, उसके लिए कमांड बनेगा G91G28Z0, आफ्टर दिस यू कैन राइट डाउन G91G28X0Y0, ओके, सो कटिंग टूल जो है वो रेफरेंस पोजीशन पे या फिर मशीन जीरो पॉइंट पे चला जाएगा। देन N26M30, दैट इज प्रोग्राम स्टॉप एंड रिवाइंड, सो कर्सर जो है फिर से इस लाइन से फर्स्ट लाइन पे चला जाएगा क्योंकि आपने कमांड यूज़ किया है M30, दैट इज़ प्रोग्राम स्टॉप एंड रिवाइंड। सो आई होप आपको ये CNC प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, ओके, थैंक यू सो मच।